सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज आपके सामने जो बात डिस्कस करी जाएगी वो है आपकी शनि के गोचर से रिलेटेड। जैसे आपको पता है अभी BNN एस्ट्रोलॉजी का कोर्स स्टार्ट है 11 अप्रैल से। इसमें हम ये टॉपिक भी लेंगे कि हमें कोई भी गोचर है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लो कोई बंदा आपके पास कुंडली लेके आया है, या आपको ही किसी की कुंडली देखनी है, आपको अपने ग्रुप में अपने घर में किसी की भी कुंडली देखनी है, तो आपको सबसे पहले गोचर का पता होना चाहिए कि इस समय गोचर क्या चल रहा है, ग्रह हमारे किस राशि में चल रहे हैं, कौन से हाउस में चल रहे हैं, वो आपको फाइंड आउट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने कहा कि अभी शनि के बारे में बता रहे हैं। शनि क्या है? शनि हमारा कर्म है। ठीक है, तो इस समय हमारा करियर कैसे चल रहा है, या कोई बंदा जैसे आपको अपने बच्चे की ही देखनी है मान लो, तो उस बच्चे का करियर कैसा चल रहा है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो उसको लिए उसके लिए आपको क्या देखना है कि इस समय शनि हमारा किस राशि में गोचर कर रहा है, सबसे पहले आपको ये देखना है। ये आपको कहीं भी नेट से मिल सकता है, या आप तुरंत की जो है कुंडली बनाइए उसमें भी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस समय कोई भी ग्रह किस राशि में चल रहा है। इस समय जैसे शनि की बात हो रही है तो सैटर्न हमारा जो है 11 नंबर राशि में गोचर कर रहा है। अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी कुंडली देखनी है और उस कुंडली में देखना है कि 11 नंबर साइन कहाँ है। जैसे अभी आपको एक कुंडली दिख रही है, इसमें आपका 11 नंबर साइन आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपका शनि बैठा हुआ है। इस कुंडली के हिसाब से मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे आपका शनि बैठा हुआ है, शनि का गोचर इस समय यहाँ पर है 7th हाउस में। ठीक है, अब इस बंदे का समय कैसा चल रहा है आप ये समझ लीजिए। इस समय अगर इस मान लो कोई बच्चा है ये और इसकी शादी नहीं हुई है, तो इस समय बहुत अच्छा योग है इसका शादी का, शनि के गोचर से मैं बता रही हूँ। शनि 2.5 साल के लिए एक राशि में रहता है। इस समय इसका बहुत अच्छा योग है शादी का, और भाग्य इसका बहुत इम्प्रूवमेंट करेगा, लक बहुत अच्छा है। और अगर जॉब की बात करें, मान लो कोई अपना करियर के बारे में पूछना चाहता है, तो करियर में इसका गवर्नमेंट जॉब का बहुत अच्छा चांस है। इसका कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की कोई जॉब मिल सकती है, कोई पद मिल सकता है। अगर मान लो जॉब में है तो इसका इंक्रीमेंट हो सकता है, प्रमोशन हो सकती है, और इसका लक बहुत साथ देगा, और साथ में इसकी शादी का बहुत अच्छा योग है। किससे मैंने बताया आपको? मात्र एक शनि के गोचर से। ठीक है, ऐसे ही हम सब चीज़ों का फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जुपिटर का गोचर क्या चल रहा है, हमारे और प्लेनेट का गोचर क्या चल रहा है, उससे हम 1 मिनट में सटीकता से जवाब दे सकते हैं, 1 मिनट में, कि इस समय बंदे का क्या चल रहा है और उसे क्या प्रिडिक्शन करनी है, क्या सावधानी करनी है, किसका डोनेशन करना है, कौन सा जेमस्टोन पहनना है, वास्तु के हिसाब से कहाँ पे गड़बड़ हुई है इस समय इस शनि के गोचर में, इसके घर में वास्तु के हिसाब से कहाँ गड़बड़ हुई है, या कहाँ फायदा हो रहा है, ये सब आपके इस कोर्स में आएगा। तो जैसे मैंने अभी कहा आपसे, अभी 11 तारीख को स्टार्ट है, आप इसका पूरा पूरा फायदा उठाइए, मिस मत करिए इसे, नहीं तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि अगली बार जो कोर्स होगा उसमें इसकी फीस ज़्यादा होगी। और यदि कोई अपनी कुंडली के बारे में डिस्कस करना चाहता है, कुछ से जानना चाहता है, तो नंबर दे रखा है, आप उसमें हमसे बात कर सकते हैं। और यदि कोई इस कोर्स को करना चाहता है तो व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे बात कर सकते हैं, या फिर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लिंक दे रखी है उसको भर के रजिस्टर करा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, और अगले वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री